शिबाइनु की सबसे बड़ी सक्सेस यही रही है कि शिबीरियम के नेटवर्क के ऊपर 1 मिलियन से भी ज़्यादा जो वॉलेट्स हैं क्रिएट किए गए, और ये सब सिर्फ 4 दिन के अंदर हुआ है इसके रीलॉन्च के बीच में। तो आपको बताया था कि शिबीरियम ऐसे बिल्कुल ख़त्म नहीं होने वाला है। हालांकि इसके ऊपर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आई थी स्टार्टिंग में, लेकिन वो प्रॉब्लम्स तो लगती है, लेकिन आज की वीडियो में आपको जो बताने वाला हूँ वो ये है कि शिबीरियम अभी हैक हो रहा है। बहुत बड़ा स्कैम अटैक इसके ऊपर चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत अलार्मिंग सिचुएशन बन चुकी है शिबाइनू को लेकर, शिबीरियम को लेकर। हालांकि इसकी अभी बहुत सारी पॉजिटिव अपडेट्स आ रही थी, पॉजिटिव न्यूज़ आ रही थी, और सडनली अभी ये जो नया अपडेट आ रहा है जिसकी वजह से शिबाइनू अब लगातार और भी ज़्यादा नीचे डिक्लाइन होता जा रहा है। पिछले 1 महीने के अंदर हमने 25% से भी ज़्यादा लॉस देखा शिबाइनू में। उसका जो मेन रीज़न था वो तो बिटकॉइन भी था, लेकिन शिबीरियम भी सही ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाया, इसकी वजह से हमें शिबाइनू में बहुत ज़्यादा ड्रॉप देखने को मिला। लेकिन आगे इसका क्या होने वाला है वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो का भी लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस हमेशा पहुंच रहे। बाकी अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिलती रहेंगी, वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां पे आपको हर एक अपडेट सबसे पहले मिलने वाली है। तो आप देख सकते हो जो शिबा का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है इसके ऊपर बताया गया ये सारी चीजें कि 4 दिन के अंदर, यानी कि रीलॉन्च के 4 दिन के अंदर 1 मिलियन से भी ज्यादा नए वॉलेट्स क्रिएट किए गए। और इससे ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि शिबा की जो आर्मी है, कम्युनिटी है, वो कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। शिबा हमेशा स्ट्रांग इस तरीके से तो रहने वाला है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज के दिन आई है वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद इसका एनालिसिस करके बताऊँगा कि आगे आने वाले समय में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो एक्चुअल में स्कैमर्स ने क्या किया कि जो लेजिटिमेट प्रोजेक्ट पॉज जोन के नाम से है, जिसको हम पॉज स्वैप भी बोल सकते हैं, उसके जैसा बिल्कुल सिमिलर एक स्वैप बनाया जा रहा था और फॉल्स इन्फॉर्मेशन को यूज़ किया जा रहा था। तो एक्चुअल में शिबा को यूज़ किया जा रहा था, शिबा की कम्युनिटी को यूज़ किया जा रहा था कि वो सपोर्ट करें पॉज जोन का, जो एक अलग से प्रोजेक्ट है, यानी कि उसका एक नया फीचर पॉज आर के नाम से बनाया जा रहा था, ताकि सबको जो भी शिबीरियम वाले हैं उनको यहाँ पे लाया जाए और ट्रांजैक्शंस करवाई जाएँ। यानी कि एक बहुत ही बड़ा स्कैम चल रहा था। वैसे हम शिबीरियम की बात करें तो करीब 8 लाख से भी ज़्यादा डॉलर्स जो हैं वो लॉक्ड हो चुके हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। टोटल वैल्यू लॉक जो पिछले 1 हफ्ते के अंदर हुई है वो 1.47 मिलियन डॉलर की हो चुकी है। और शिबीरियम के ऊपर जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट रहा है वो है मार्स वेब। तो ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो शिबीरियम के ऊपर आ चुके हैं। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना कि शिबीरियम बिल्कुल नया है, इसके ऊपर रग पूल्स भी पॉसिबल हैं। रग पूल के साथ साथ क्या है कि स्कैम के काफ़ी सारे ऐसे अटैम्प्ट हो सकते हैं जो मैंने आपको आज बताया। तो स्कैम प्रोजेक्ट्स लगातार आ सकते हैं, क्योंकि शिप जो है इसको भी पहले एक मीम कॉइन माना जा रहा था, और इसके चेन के ऊपर जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनकी भी एक्चुअल में खास चेकिंग तो हो नहीं रही है कि वो क्या करने वाले हैं। तो स्कैम और रग पुल कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट के द्वारा किया जा सकता है, तो आपने अपने जो फंड्स हैं वो सेफ रखने हैं। तो कभी भी अगर शिबा के द्वारा सिर्फ शिप का नाम लेकर आपको किसी प्रोजेक्ट पर लाया जा रहा है कि आप उसके ऊपर ट्रांजेक्शन करो या फिर इन्वेस्ट करो, तो आपने बिल्कुल भी नहीं करना है, इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ हमें यह देखने को मिली है कि चाहे ये स्कैम अटैक चल रहा था, इसके बीच में भी शिबीरियम के ऊपर जो ट्रांजैक्शंस हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। आप यहाँ देख सकते हैं जो डेली ट्रांजैक्शंस है, किस तरीके से ग्राफ दिख रहा है, लगातार कंटिन्यूसली ये इंक्रीज हो रहा है। जो कि पहले 88,630 थी ट्रांजैक्शंस, अभी ये 1,70,000 से भी ज़्यादा हो चुकी हैं, और ये सब पिछले 24 घंटे के अंदर ही हुआ है। तो ओवरऑल हम देख सकते हैं कि शिबीरियम इतना ज़्यादा हाइप में आ चुका है कि 1.74 मिलियन की ट्रांजैक्शंस अभी चल रही हैं। तो आपको दोबारा से बता रहा हूँ, पॉज स्वैप जो है वो एक्चुअल प्रोजेक्ट है, लेकिन जो पॉज जोन है वो उसका एक फेक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड करना ही है। तो ओवरऑल शिबीरियम तो अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर हम शिप की बात करें तो इसकी वैल्यू कहाँ जा सकती है, अभी हम इसका थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। क्योंकि वैसे हमने शिबीरियम के ऊपर देख लिया कि जो डेली ट्रांजैक्शंस हैं वो कितनी ज़्यादा पहुंच चुकी हैं, 1,70,000 से भी ज़्यादा पहुंच चुकी हैं। तो इस तरीके से इसका इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ने वाला है वो डायरेक्टली शिप के प्राइस के ऊपर ही डलेगा। तो अभी जो प्राइस चल रहा है शिबीरियम का, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि 0.5073 के आसपास चल रहा है, इतना प्राइस चल रहा है। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, बहुत ही आसान सा रेजिस्टेंस है, एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, अगर ये क्रॉस हो जाता है तो हमें एक अच्छी वैल्यू देखने को मिल सकती है। तो हम अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ वेल एक्टिविटीज़ हों, यानी कि एकदम से प्राइस इंक्रीज तभी होने वाला है, या फिर कम्युनिटी के द्वारा यहाँ पे अगर बाइंग आती है, क्योंकि ये प्राइस जो है ये बहुत ही ज़्यादा लो चल रहा है, ये एक बिल्कुल सही बाइंग पॉइंट भी बन चुका है। अगर यहाँ पे बाइंग आती है तो हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है शिबाइनू में। वैसे हम पिछले कुछ दिनों के अंदर जब से शिबीरियम लॉन्च हुआ है, हम वेल्स की एक्टिविटी भी देख पा रहे हैं कि ये बहुत ही स्ट्रांग होती जा रही है। यही कारण है कि अभी शिबाइनू और भी ज़्यादा बुलिश चल रहा है। वैसे अगर हम वेबसाइट्स के ऊपर चलते हैं, shibarium.ship.io, इसके ऊपर पूरा डेटा अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है टोटल वैलिडेटर्स, टोटल स्टेक, शिबीरियम का ब्लॉक हाइट यहाँ पे दिखाया गया है, चेक पॉइंट इंटरवेल, लास्ट चेक पॉइंट,
तो हर एक चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे वैलिडेटर्स की डिटेल्स भी दिखेंगी, नेम्स भी आपको दिखेंगे। इसी के साथ जो दूसरी चीज़ है वो है shibirim ecosystem.com, जिसके ऊपर ब्रिज, डेलीगेट, वैलिडेट, यहाँ पे हर एक चीज़ आपको मिलेगी। यानी कि सब कुछ लाइव हो चुका है, अभी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप खुल के इसके ऊपर काम कर सकते हैं, शिविरम के ऊपर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट इसके ऊपर आ रहा है उसके ऊपर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देना, जैसे कि अभी पॉज जोन चल रहा है, जो कि फेक प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर आपने कुछ भी नहीं करना है। ऐसे काफ़ी सारे शिविरम के ऊपर प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं जो आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन आपने हमेशा उसकी जो लेस्टिमेसी है वो चेक करनी है। चेक करने के बाद ही कोई स्टेप अगला उठाना है। तो आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही है, जो कि शिप के बारे में था। इसका चाहे अटैक चल रहा है, आप देख पा रहे हैं कि अभी भी ट्रांजैक्शंस लगातार बढ़ रही हैं, तो शिबिरम हाईली बुलिश है, नो डाउट, कोई भी डाउट नहीं है। इसकी कुछ और अपडेट्स दूंगा हमारे टेलीग्राम के ऊपर वॉफ ट्रेड ऑफिशियल, आप सर्च करके या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगा उसके ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं सारी डिटेल्स डालने वाला हूँ। किसी और प्रोजेक्ट के बारे में, कॉइन के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए नीचे कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। और प्लीज़ हाँ, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन हमेशा पहुंच रहे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।